बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी की परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 4 दिन ही बचे हैं। 17 मई इसकी आखिरी तारीख है। इधर एनआईसी के सर्वर में गड़बड़ी के चलते छात्र फॉर्म भरने के लिए जरूरी प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रहे हैं। आयोग 2187 पदों के लिए परीक्षा ले रहा है, जिसके लिए आवासीय, जाति, आय और ऐसे दूसरे प्रमाण पत्रों की बहुत जरूरत है, लेकिन ये डिमांड के हिसाब से नहीं बन पा रहे। आंकड़ों के अनुसार बिहार में 1,34,000 प्रमाण पत्र नहीं बन पाए हैं, जिसकी वजह से आवेदक परेशान हैं। वजह एनआईसी के सर्वर में हफ्ते भर से तकनीकी गड़बड़ी है। सिर्फ पटना सदर अंचल में इन प्रमाण पत्रों के करीब 40,000 आवेदन लंबित हैं। आखिर बिना प्रमाण पत्र फॉर्म कैसे भरे, ये सवाल हर आवेदक का है। जहां तहां परेशान आवेदक लगातार हंगामा कर रहे हैं। वे काउंटर पर खड़े तो होते हैं, लेकिन ज्यादातर तो वापस लौट जाते हैं। पूर्णिया जिले की बात करें तो यहाँ प्रभारी डीएम केडी प्रज्वल के अनुसार रोज दिन 1500 से ज्यादा आवेदक पहुंच रहे हैं। सर्वर स्लो रहने के कारण 7,412 आवेदन लंबित है। कैमूर में 1 से 12 मई तक आवासीय प्रमाण पत्र के 6,169 आवेदन आए, 1,573 प्रमाण पत्र ही निर्गत हुए। जहानाबाद जिले में पिछले 10 दिन में 2,246 आवेदन पेंडिंग है। खगड़िया में 1500 से अधिक आवेदन लंबित है। डीएम डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने बताया कि ऐसा सर्वर स्लो होने के कारण है। गोपालगंज में बीते 10 दिन में सिर्फ 1300 प्रमाण पत्र जारी हुए। भोजपुर जिले की बात कर लेते हैं तो यहां पर करीब 2000 आवेदन लंबित हैं। औरंगाबाद में बीते 5 दिनों से लिंक में परेशानी के कारण सिर्फ 100 से 150 आवासीय प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं। वैशाली में 10,000 से अधिक आवेदन लंबित हैं। मुजफ्फरपुर जिले में शाम 7 बजे के बाद सर्वर कुछ देर काम करता है, तभी प्रमाण पत्र बनता है, लेकिन फिलहाल 5,000 से अधिक आवेदन यहाँ भी लंबित पड़े हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किन पदों के लिए बीएसएससी में परीक्षा होनी है। सबसे पहले सचिवालय सहायक के 1,360 पदों के लिए परीक्षा की जानी है। इसके अलावा सहायक के लिए 125 पदों पर होगी परीक्षा। उसके अलावा बात करें तो मलेरिया निरीक्षक के लिए 74 पदों पर परीक्षा ली जाएगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी के लिए 2 पदों पर परीक्षा ली जाएगी। इसके साथ ही अंकेक्षक के पद पर 626 पदों के लिए परीक्षा ली जानी है। bssc.bihar.gov.in पर 14 अप्रैल से आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि के पहले की तारीख का प्रमाण पत्र चाहिए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के अनुसार 40,000 से अधिक आवेदन मिलने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी। प्रारंभिक परीक्षा से कुल रिक्ति के 5 गुना रिजल्ट मुख्य परीक्षा के लिए दिए जाएंगे। इस सवाल पर कि जिलों में आवासीय और दूसरे प्रमाण पत्र नहीं बन पाने के कारण क्या फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई जा सकती है, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने कोई आधिकारिक जवाब इस पर नहीं दिया है। सर्वर का स्पेस कम हो गया है तो ये फेल कर जा रहा है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के सर्विस प्लस पोर्टल के माध्यम से आरटीपीएस काउंटर को संचालित किया जाता है। एनआईसी के सर्वर पर सर्विस प्लस पोर्टल के लिए स्पेस लिया गया है, लेकिन कम स्पेस होने के कारण ये फेल हो जा रहा है। इसकी शिकायत सभी जिलों के जिला प्रशासन ने की है, लेकिन अब तक ये सुधर नहीं सका है, जिसके कारण जितने भी आवेदक हैं जो कि परीक्षा देने वाले हैं उन सभी की चिंता बढ़ रही है और ये बार बार गुहार लगा रहे हैं कि आखिर जब उनका प्रमाण पत्र ही नहीं बन पाएगा तो वो परीक्षा के लिए फॉर्म कैसे भर पाएंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।